खत्री ग्रामीण रोजगार एक्ट भारत देश में ये एक्ट आकर 12 साल हो गया, 12 साल से ज्यादा हो गया, 2006 में इम्प्लीमेंट हो रही है ये। अब पूरा देश में पिछले 5 साल से क्या हालत है बोले तो, कि जहां भी ग्रामीण उद्योग खात्री एक्ट जो है, रोजगार एक्ट है, इसमें जितने भी लोग काम करे हैं वो लोगों को उनका पेमेंट नहीं मिल रही है, वेज नहीं मिल रही है। हमारा ही गुलबर्गा में देखो या पूरा कर्नाटक में देखो, 2 महीना से एक पैसा भी नहीं मिला है। क्यों बोले तो, जो ऊपर बैठे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो हमेशा मन की बात कहते हैं और कॉर्पोरेट लोगों को अच्छा अच्छा दिन लाए हैं, मगर हमारे जितने गरीब लोग काम करे हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं लाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देना उनका फर्ज है, ये एक्ट है, हफ्ते में एक बार पैसा देना एक्ट में लिखे सो है, मगर पूरे भारत देश में कहां भी हफ्ते में एक बार पैसा नहीं मिला है। अभी तो 2 महीना से एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा है, किसको पूछेंगे हम, किसको पूछेंगे? हमारे जितने लोग इधर आए हैं वो काम करके, पसीना टपका के, काम करके, मेहनत कश लोग इधर आए हैं, उनका पैसा नहीं मिलना क्या? इनके मन की बात में हमारे रोजगारी का समस्या चर्चा नहीं होना क्या? इसलिए हम इधर आए हैं। एक तरफ कहते हैं सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया, मगर काम नहीं दे रहे हैं, रहे तो काम नहीं मिल रहे हैं, लोग मुंबई पुणे जा रहे हैं घर बार छोड़कर। जिम्मेदार कौन है? हमारे तो वोट दिया है, ऊपर बैठे हैं, हमारे लिए जितना पैसा भेजना है, हमारे काम देना है, हमारे पेमेंट करना है, वो नहीं करे है, इसीलिए हमारे लोग आज इधर, उनका जितना भी ये है ना कृषि का सामग्री वो लेकर इधर आए है, पैसा दे दो बाद में बात करो, इतना हम पूछने के लिए इधर डीसी ऑफिस अभी हम जा रहे हैं, शाम तक उधर हम रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पैसा हमें भेजना, आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रही है, क्या चर्चा करते हैं पार्लियामेंट में? उनके कॉर्पोरेट जो चोरी लोग हैं, चोरी करके भाग रहे हमारे देश से, उनका बात करते हैं? हमारे बात जो मेहनत कश लोग है उनका बात वो पूछने के लिए हम आज इधर आए हैं।